प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है अभी डाक बंगला चौराहा पे है और आपको पता है कि नवरात्रा का ये दूसरा दिन है और हम आपको पटना के प्रत्येक पंडाल का दर्शन करा रहे हैं और हमारी टीम लगातार आपसे एक ही प्रयास है कि जो गतिविधि है दुर्गा पूजा को लेकर एक एक गतिविधि आप तक हम पहुंचाएं ताकि आप पटना में रहकर जो है दुर्गा पूजा का आनंद ले सकें। ऐसे में हम लोग जो है डाक बंगला चौराहा पर जो भव्य पंडाल बन रहा है उन चीज़ों को दिखाने आए हैं। कहा जाता है कि सबसे बेस्ट तरीके से जो है दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में भी एक बेहतरीन रूप से जो है दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये पंडाल की दृश्य को देख सकते हैं कितना मनोरम है। ये आंध्र प्रदेश के बालाजी त्रिपतिनाथ मंदिर का एक भव्य दृश्य है, उसके कलाकृति को जो है पंडाल का रूप दिया गया है और सीधी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग सीधी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पंडाल बनाने की लागत, ये दुर्गा पंडाल है कितना भव्य है और लगातार यहाँ पे काम चल ही रही है और पंडाल का स्वरूप जो है और बेहतरीन बनाने के लिए जो है लगातार बाहर से जो कारीगर आए हैं उन चीज़ों को स्वरूप देने में लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कलश की स्थापना की गई है, माता यहाँ पे स्थापित की जाएंगी और यहाँ पे जो पंडित हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। अंदर से भी आप पंडाल का दृश्य देखें कि बालाजी तिरुपति नाथ का जो अंदर का जो दृश्य है यहाँ पे आप लुक उठा सकते हैं। बिहार का ये पटना शहर है जो कि आप तिरुपति जाए बिना जो है यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कि आखिरकार तिरुपति बालाजी का मंदिर का जो स्वरूप है कितना मनोरम है और कितना अचंभित करने वाला दृश्य है और कितना सुंदर एक मन वो लेने वाला एक पंडाल का स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये पंडाल जो आप लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर, पहले तो आप ये बात जानिए कि ये जो आप भव्य माता का पंडाल देख रहे हैं, जो हम बिहार वासी के सामने इस पंडाल को बनाने का काम किए हैं नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री संजीव प्रसाद टोनी जी, हमेशा पूजा में लगे रहते हैं। और ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी है जो आप देख रहे हैं कि ये जो मूर्ति की कलाकारी हम लोगों ने, ये कलाकार कहाँ से आया अभी? ये हमारे कलाकार कोलकाता के सारे आर्ट कॉलेज के कलाकार हैं जी। और ये जो हम भव्य ये माता का पंडाल बना है इसको बनने में 10 महीने से ऊपर का वक्त लगा है। 10 महीने से हम अगर इसका लागत क्या है? इसका लागत जो है वो हम पूजा के बाद ही इस चीज का रिवील करते हैं जी। इसका क्योंकि ये नवयुवक संघ जो हमारी कमेटी है, हम कभी लागत और हमारे यहाँ कोई ऐसा खर्च हम लोग नहीं दिखाते, शो ऑफ नहीं करते। हमारा मेन हम लोग का मोटिव और यही है कि हम पूजा लोगों को दिखाएं, दुर्गा पूजा का आनंद लोगों को दिखाएं, कि सजावट दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है अनेकों रूप जो है पंडाल का होता है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में भी उस तरीके का अलंकृत विशेष स्थानों को दर्शाया जा रहा है पंडाल के रूप में। आप ये तो बहुत बड़ी एक पश्चिम बंगाल से ही हम प्रेरणा लेकर के और आज इतना भव्य पंडाल और जो हमारी मूर्ति जो हमारे बनाते हैं हमारे कारीगर जगन्नाथ पाल जी 30-35 साल से वो हमारा मूर्ति बना रहे, वो कोलकाता के बहुत पुराने कलाकार हैं। ये बताइए सर कि प्रत्येक साल एक ही स्वरूप होता है या अलग अलग होता है? नहीं, माता का तो आपको यही स्वरूप दिखेगा, स्वरूप नहीं पंडाल का। पंडाल हम हमेशा हर साल ही चेंज करते हैं। अब देखिए इस बार हम तिरुपति बालाजी बनाए, पिछले बार हमने महासरस्वती मंदिर बनवाया था, तो ऐसे ही अगले साल भी हम कुछ नया लाएंगे। और हमें अगर अगले साल के लिए दुर्गा पूजा का तैयारी हम छठ पूजा के बाद ही से शुरू कर देते हैं, हमें छठ पूजा के बाद ही वहाँ पे जाना होता है, हम पंडाल सेलेक्ट करते हैं फिर ऑर्डर देते हैं तो बनना शुरू हो जाता है छठ के बाद से ही, तो यहाँ 2 महीने असेंबल होने में टाइम लगता है। हम लोगों को पूजा दिखाना चाहते हैं, भव्य माता का भव्य रूप दिखाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का आनंद आप यहाँ पटना में ले सकते हैं, बस हाँ, पश्चिम बंगाल का आप पंडाल का आनंद उठा सकते हैं, आप लाइटिंग का आनंद उठा सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक बच्चों का देखने के लिए मैकेनिकल कार्टून्स मंगाए हैं, वो बहुत स्पेशल मंगाए हैं हमने बच्चों के लिए कि बच्चे मेले में घूमेंगे तो फिर बोलेंगे अपने फैमिली वाले को कि हम दोबारा डाक बंगला ले चलो। अरे सुरक्षा व्यवस्था का एक चुनौतीपूर्ण आप लोगों के लिए रहता होगा, उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि डाक बंगला चौराहा जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है देवी के दर्शन के लिए, उन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? हमारा पहले तो आप पत्रकार महोदय ये जान लीजिए कि कोतवाली से लेकर के और डाक बंगला चौराहा तक हम तमाम जगह हिडन और सीसीटीवी कैमरा हम लगाते हैं
और हमारे 500 वॉलेंटियर हैं जो भीड़ में एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, और जिला प्रशासन का भी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, वो लोग भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, उसके बाद जो है कितने से कितने बजे तक जो है माता की लोग जो है दर्शन कर सकते हैं? ये एक्चुअली बात ये है ना कि दर्शन करने का, इसलिए जब भी भीड़ कम होती है तो श्रद्धालु आकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं पत्रकार महोदय कि शाम से जो भीड़ उमड़ने लगती है माता रानी को देखने के लिए, तो हम सबको नहीं अंदर पंडाल में ले सकते हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं को हम अनुरोध करते हैं कि आप बाहर से ही माता रानी का दर्शन करके और मेला घूमते हुए अपने परिवार के साथ घूमें। तो लेकिन एक समय विदित होगा ना कि समय इतने बजे से उतने बजे तक जो है लोग, इसका कोई पत्रकार महोदय ठीक समय नहीं है, ये कोई नहीं, 24 घंटा भीड़ उमड़ी रहती है ना। प्रसाद का वितरण? प्रसाद का वितरण हमारा संध्या पूजा के बाद से होता है, पूरे भीड़ में प्रसाद की वितरण चलते रहती है, पूरा रात हम प्रसाद बांटते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो पंडाल का निर्माण होता है हम लोग प्रत्येक साल जो है प्रत्येक जगह का जो है एक स्वरूप लाकर यहाँ पे दिखाते हैं, ताकि जो पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है वो कहा जाता है भव्य होता है, लेकिन हम पटना वासियों को एक अच्छा पंडाल के साथ साथ एक अच्छा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग जो है लगातार प्रत्येक साल जो है किसी न किसी स्थान को दर्शाने का काम करते हैं। ये है आपको डाक बंगला का माता रानी का पंडाल है, ये देख सकते हैं कि बालाजी तिरुपति के तर्ज पे जो है पंडाल को बनाया गया है, और आपको चारों तरफ जो है प्रतिमाएं दिख रही होंगी, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, तमाम जो देवी देवता हैं, तमाम लोग जो है भगवान जो है उनकी प्रतिमाओं के साथ जो है अलंकृत है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भव्य पंडाल आपको जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है पटना, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि तमाम जो अलंकृत स्थान है उन चीज़ों को दर्शाया जाता है, उन चीज़ों को लेकर आप के मन में क्या चलता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना, धन्यवाद।